Good afternoon to all of you. Today we will discuss about GK page number 30, Women of Substance. इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस क्या है ना, एक टाइटल है. ठीक है, सक्सेसफुल लेडी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. जो वुमेन्स हैं जिनकी क्या है ना, लाइफ में कुछ अचीवमेंट है. ठीक है, तो रिमार्केबल अचीवमेंट है, ऐसे नहीं है. ठीक है, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर रखे हैं वो, तो उसके लिए उनको सोसाइटी में सब जानते हैं. ठीक है, वो सक्सेसफुल लेडी है, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. ये पेज में कुछ सक्सेसफुल लेडी के फिगर दे रखा है. ये वुमेन्स है, महिलाएं हैं, ये अपने लाइफ में क्या कर रखे हैं ना, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर रखे हैं. ठीक है, इनको अभी हम पहचानेंगे. यहाँ पे कुछ क्लू दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, शी वाज एन इंजीनियर एंड द फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. वो महिला क्या थे ना, शी वाज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर थे और फर्स्ट महिला थी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या टूरिस्ट के रूप में पहले ही हो गए थे. ठीक है, वो लेडी है कौन, ये देखो फिगर में, ये है आपके अनाउशेष अंसारी. ये जो फिगर आप देख रहे हो, अनाउशेष अंसारी ये महिला थी. ठीक है, एक इंजीनियर थे. ठीक है, या फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक. वो जो फेसबुक हम जो अभी चलाते हैं, ठीक है, वो फेसबुक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अभी है वो. ठीक है, एंड द ऑथर ऑफ बुक लेन इन बुक का ऑथर है, विच इज ऑल्सो अ सपोर्ट ग्रुप फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस. ठीक है, जो बुक है लेन इन, वो सपोर्ट करता है महिलाओं को काम में. ठीक है, तो ये लेडी कौन है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनको अभी हम देखते हैं. ये फिगर देखो, ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो एच में जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, सेरिल सैंडबर्ग, सेरिल सैंडबर्ग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है फेसबुक का. ठीक है, ये फिगर भी आप देख लीजिए और नाम भी याद रख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शी वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली हु वाज नोन फॉर हर फिलैंथ्रोपिक वर्क. She was a member of British Royal Family. British Royal Family की एक member थे वो. ठीक है, British नाम सुना होगा, वहां पे एक सुंदर family की वो सदस्य थे. और क्या है ना, who was known, वो कैसे पहचान में आए ना, उनका जो काम है ना, philanthropic work, परोपकारी कार्य, परोपकारी समझते हो, दूसरे को help करना. ठीक है, उसी work में वो famous हो गए थे. ठीक है, वो lady कौन है, वो लेडी आपका, ये फिगर आप देखो, सी में जो फिगर है, प्रिंसेस डायना. वो लेडी कौन है, प्रिंसेस डायना, ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सदस्य है. और उनका क्या काम था ना, कहते हैं क्या, फिलैंथ्रोपिक वर्क, परोपकारी कार्य. ठीक है, दूसरे को हेल्प करना, ये है प्रिंसेस डायना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4, in 2008, she became the first woman to win an IndyCar race. IndyCar race प्रथम महिला है जिन्होंने जीत रखे थे 2008 में. ठीक है, फिगर देखो, ए में जो फिगर है डैनिका पैट्रिक है. ठीक है, जिन्होंने IndyCar race में जीत चुके थे 2008 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस मैक्सिकन आर्टिस्ट सर्वाइव्ड चाइल्डहुड पोलियो एंड स्टार्टेड पेंटिंग एज एन द एस्केप फ्रॉम हर पेन. ये मैक्सिकन आर्टिस्ट है, मैक्सिको नाम सुना होगा उस कंट्री का, ये आर्टिस्ट है जिन्होंने बचपन से पोलियो बीमारी में सर्वाइव हो चुके हैं. ठीक है, मतलब बीमारी में पीड़ित है, पोलियो बीमारी से. ठीक है,
और उसी बीमारी से राहत पाने के लिए वो पेंटिंग में खुद को क्या करते थे, बिजी रखते थे। ठीक है, वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। आपको पता है जब शरीर में कुछ कष्ट होते हैं या कुछ बीमार आ जाता है तो बीमारी से खुद को बचाने के लिए हम दूसरे काम में बिजी रहेंगे तो उससे थोड़ा सा राहत मिलती है। ठीक है, इसलिए वो लेडी क्या किए थे, ना पोलियो बीमार से क्या थे ना पीड़ित थे, उससे बचने के लिए, उससे थोड़ा सा आराम उनको कैसे लगे, उससे राहत मिलने के लिए वो क्या किए थे ना पेंटिंग में खुद को व्यस्त रखे थे। ठीक है, पेंटिंग काम में खुद को बिजी रखे थे। और वो पेंटिंग करते करते 20th सेंचुरी में वो एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट के रूप में क्या हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, वो लेडी कौन है ये देखो, फ्रिडा कहलो, फ्रिडा कहलो ये मेक्सिकन आर्टिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नोन फॉर द स्टडी ऑफ शामन कल्चर। ठीक है, शी इज हेल्ड फॉर हर स्टडीज ऑन द पीपल ऑफ ओशिनिया। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं ना, जो किसी कल्चर के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये लेडी सोमन कल्चर के ऊपर स्टडी किए थे। सोमन कल्चर क्या है, काम पे ये है संस्कृति, स्पेसिफिक ओशन के नाम सुना होगा, वहां पे बहुत सारे आइलैंड है, सोमियन आइलैंड, तो वहां पे जो कल्चर है संस्कृति है उसके ऊपर ये स्टडी किए थे। ठीक है, और वो है कौन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी में जो फिगर आप देख पा रहे होंगे, मार्गारेट मेड। मार्गारेट मेड, इन्होंने रोमन कल्चर के ऊपर स्टडी किए थे। ठीक है, मार्गारेट मेड। देन क्वेश्चन नंबर 7, शी बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2005। वो 2005 में जर्मनी का चांसलर बने थे। वो कौन है, 7 का आंसर होगा, 8 में जो फिगर आप देख रहे हैं, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल 7 में जो फिगर देख रहे हैं, इसको भी पहचान लो, एंजेला मार्केल चांसलर ऑफ जर्मनी 2005 में बने थे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, शी इज एन इंडियन ऑथर एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु रोट द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स व्हिच वन द मैन बुकर प्राइज। ये जो लेडी है ये इंडियन ऑथर है एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने एक नोबेल लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नोबेल का नाम क्या है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उनको प्राइज मिली थी, क्या, मैन बुकर प्राइज। वो लेडी है कौन, जी में जो फिगर आप देख रहे हैं, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, ये इंडियन ऑथर है। ठीक है, ये एक नोबेल भी लिखे थे, ये नोबेल का नाम क्या है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए उनको प्राइज मिली थी, मैन बुकर प्राइज। ये आपका पेज नंबर 30 कंप्लीट हो गई। इसमें से ये 8 महिलाएं के बारे में हम डिस्कस किए, ये सब क्या है ना उनका रिमार्केबल अचीवमेंट है, इसीलिए सोसाइटी उनको याद रखा है। ठीक है, इसे अपने लाइफ में भी कुछ ऐसे काम करो ताकि समाज आपको याद रखेंगे और आप हिस्ट्री बनोगे। ठीक है, इतिहास बनना एक अच्छी बात होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।